कार्तिक और नायरा की शादी को 5 साल हो गए थे। उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम अक्षु था। वो दोनों अक्षु से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन अचानक से कार्तिक की दुर्घटना से मौत हो जाती है। अब नायरा के ससुराल वाले उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। अब वो अपने अक्षरा मामी के पास जाती है। अक्षरा गोपी से कहती है, क्या रे कालमुही, तेरा पति तो मर गया, ससुराल वालों ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया, अब तू मुझे परेशान करने के लिए आई है। सुन, इस घर में रहना है तो तुझे बहुत सारा काम करना पड़ेगा, समझी तू? नायरा अक्षरा से कहती है, जी मामी, मैं घर का सारा काम करूंगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। अब नायरा नौकरों की तरह घर का सारा काम करती थी। एक दिन अक्षु नायरा से कहती है, माँ मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दो ना। नायरा अक्षु से कहती है, बेटा क्या दूं तुझे खाने के लिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अक्षु जिद करने लगती है। फिर नायरा अक्षु से कहती है, चल किचन में तुझे कुछ खाने के लिए देती हूँ। फिर नायरा अक्षु दोनों किचन में जाते हैं। नायरा अक्षु को फ्रिज में से खाना निकाल कर देती है। तभी अक्षरा वहाँ पर आ जाती है और नायरा से कहती है, क्यों रे नासपीटी, चोरी करते हुए तुझे शर्म नहीं आई, जिस घर में रह रही है उसी में चोरी कर रही है। नायरा अक्षरा से कहती है, नहीं मामी जी, वो तो अक्षु को भूख लगी थी इसीलिए मैंने उसे खाना दे दिया। अक्षरा नायरा से कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, तू इसी वक्त यहाँ से निकल जा, समझी तू? अक्षरा नायरा को मारते हुए घर से बाहर निकाल देती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।